हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के कुल 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को पोषित करता है, जिसके ऑप्शन है भोजन, भुखमरी, रोग या फिर चौथा ऑप्शन है कीटाणु। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोजन। भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं, जिसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 10। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। अपोषण की कुल 2 स्थितियां होती हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं, जिसके ऑप्शन है 9, 8, 6 या फिर 2। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 8। चौथा क्वेश्चन है, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं धूप, भोजन, नगर या फिर उपर्युक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड भोजन। भोजन मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है, जिसके ऑप्शन है अपर्याप्त पोषण, कुपोषण, सपोषण या फिर अल्प पोषण। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कुपोषण। जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो यह स्थिति कुपोषण कहलाती है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मर्मस रोग होता है, जिसके ऑप्शन है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से या फिर वसा की अधिकता से। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटीन की कमी से। मर्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा झुर्रियां युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है, जिसके ऑप्शन है कुपोषण, अल्प पोषण, गरिष्ठ भोजन या फिर कोई भी नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या फिर विटामिन की कमी। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण की कमी से भारत में ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार या फिर प्रोटीन युक्त आहार। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, जिसके ऑप्शन है सोयाबीन, मूंगफली, सेम या फिर उपर्युक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सोयाबीन, मूंगफली, सेम ये सभी प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो जिसके ऑप्शन है मुल्डर, मैंडल, गार्नर या फिर स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुल्डर। मुल्डर के द्वारा प्रोटीन नाम सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसके ऑप्शन है 4, 6, 8 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10। प्रोटीन में लगभग 10 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है, जिसके ऑप्शन है मांस, मछली, अंडा या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मांस, मछली, अंडा ये सभी प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोज, जल या फिर विटामिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। वसा के उपयोग के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोज है, जिसके ऑप्शन है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन या फिर स्टार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेलुलोज। सेलुलोज एक जटिल कार्बोज होता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? तो जिसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। कार्बोहाइड्रेट कुल 3 प्रकार के होते हैं, अतः बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पेक्टिन पाया जाता है, जिसके ऑप्शन है दूध, घी, दाल चावल या फिर पके फलों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पके फलों में। पेक्टिन पके फलों में पाया जाता है, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड होता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग होता है, जिसके ऑप्शन है इंसुलिन की कमी से, कार्बोज की अधिकता से, कार्बोज की कमी से या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी से होता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है, जिसके ऑप्शन है 20%, 40% तथा तीसरा ऑप्शन है 60% तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है 80%। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। दालों में 60% स्टार्च पाया जाता है, अतः सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसके ऑप्शन है दूध, संतरे, गन्ना तथा चौथा ऑप्शन है अंगूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में गन्ने में पाया जाता है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, जिसके ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। लैक्टोज एक नवजात के द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है, अतः बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वसा की मात्रा अधिक होती है, जिसके ऑप्शन है मक्खन में, पनीर में, सोयाबीन में या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मक्खन। वसा की मात्रा मक्खन में अधिक होती है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जिसके ऑप्शन है 2, 4, 7 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, अतः डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है, जिसके ऑप्शन है 20 ग्राम, 40 ग्राम, 25 ग्राम या फिर चौथा ऑप्शन है 30 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 ग्राम। एक वयस्क को वसा की 25 ग्राम आवश्यकता होती है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसके ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, मर्मस या फिर फाइनोडर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइनोडर्मा। वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है, जिसके ऑप्शन है 30%, 40%, 50% या फिर 60%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60%। मूंगफली में 60% वसा होती है, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है, जिसके ऑप्शन है वसा, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट या फिर जीव जंतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा मोटे व्यक्ति को होता है, जिसके ऑप्शन है मधुमेह, मर्मस, क्वासियोरकर या फिर चौथा ऑप्शन है कुपोषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह रोग। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है, जिसके ऑप्शन है पानी, वसा, भूख या फिर
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा। वसा के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील है जिसके ऑप्शन है ईथर, पानी, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा चौथा ऑप्शन है क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईथर। ईथर वसा में घुलनशील होता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है जिसके ऑप्शन है हरी मिर्च, संतरा, नींबू तथा चौथा ऑप्शन है सूखा पनीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूखा पनीर। सूखा पनीर के द्वारा नाइसिन की प्राप्ति की जा सकती है, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है जिसके ऑप्शन है पालक, मटर, पत्ता गोभी तथा चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला मनुष्य में रोग है जिसके ऑप्शन है बेरीबेरी, स्कर्वी, पायरिया तथा चौथा ऑप्शन है रतौधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेरीबेरी। B1 की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की उचित वृद्धि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है जिसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज कब की गई जिसके ऑप्शन है 1933 में, 1938 में, तीसरा ऑप्शन है 1943 में तथा चौथा ऑप्शन है 1912 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1933 में। विटामिन के की खोज 1933 में की गई थी, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं जिसके ऑप्शन है कमजोर, मोटा तगड़ा, तीसरा ऑप्शन है शक्तिशाली तथा चौथा ऑप्शन है स्वस्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है जिसके ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है गाजर, तीसरा ऑप्शन है टमाटर तथा चौथा ऑप्शन है तेल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेल में। विटामिन ए सबसे अधिक तेल में पाया जाता है, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है जिसके ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी तथा चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य के किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, अतः डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है जिसके ऑप्शन है आंवला में, दूसरा ऑप्शन नींबू, तीसरा ऑप्शन है आम तथा चौथा ऑप्शन है पपीता में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंवला। विटामिन सी सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं जिसके ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है नाइसिन तथा चौथा ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है जिसके ऑप्शन है 800 ml, दूसरा ऑप्शन है 900 ml, तीसरा ऑप्शन है 500 ml तथा चौथा ऑप्शन है 300 ml। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 ml।